सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। लास्ट वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 1, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और लिंक उस वीडियो का, नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, पावर डिवीजन देखा था कि कैसे पावर्स का डिवीजन हुआ, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखी थी, और भी किस तरह तरह के पावर शेयरिंग हमने देखे थे, जैसे कैसे श्रीलंका में है हुआ, कैसा बेल्जियम में हुआ, ये सब हमने देखा, ठीक है। क्लियर हो गया था हम लोग को। इसमें हम लोग उसी जो पावर शेयरिंग थी ना, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है, वो जो वर्टिकल पावर शेयरिंग थी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर थी, उसमें हम लोग अब फोकस करेंगे। उसको अब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या क्या उसका एडवांटेज है, प्रोस कॉन्स क्या है, इंडिया में क्या कैसे वो अवेल करता है, और उसके बाद कैसे हम उसको डिसेंट्रलाइज जो होता है हमारा, तो डिसेंट्रलाइज कैसे कनेक्टेड है फेडरलिज्म से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज फेडरलिज्म। तो ये जो वर्टिकल लेवल का जो डिवीजन है ना पावर शेयरिंग का, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म समझ में आया, जो हम अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर, सेंट्रल में, स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में, इस तरीके से जो भी हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल पावर शेयरिंग कर रहे हैं हम, उस पावर शेयरिंग को हमने कह दिया फेडरलिज्म। क्लियर है? चलो, तो स्टार्टिंग में हम पहले डिस्क्राइब करेंगे फेडरलिज्म के कुछ जनरल टर्म्स को, उसके बाद में इसकी पूरी थ्योरी समझेंगे, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है वो देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे जो थर्ड टीयर जो ऐड किया गया है फेडरलिज्म में 1992 के टाइम पर, लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर में। तो होप समझ में आ रहा हो कि हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे, थ्योरी प्रैक्टिस देखेंगे, पूरा जनरल टर्म्स समझेंगे, ये सारे चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। द फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि जो पावर है ना तुम्हारा, वो पावर डिवाइड हो जाता है। पहला पावर जो तुम्हारा डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उस गवर्नमेंट को बनाने में जो जो चीज़ लगा है ना, जो जो स्टेट्स, जो जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट किया है, उनमें डिवाइड हो जाता है पावर, ठीक है। फेडरलिज्म क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें पावर जो है तुम्हारा, पावर जो है वो पावर तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी में और उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में, यानी कि उस सेंट्रल को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर डिवाइड होगा। क्लियर? तो फेडरलिज्म में टोटल कितने लेवल के गवर्नमेंट होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म में 2 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो पूरे कंट्री के लिए होता है, और एक होता है स्टेट के लिए या फिर प्रोविंस के लिए। अभी बहुत सारा, जब उस टाइम बन रहा था ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब बन रहा था तो उस टाइम प्रोविंस हुआ करता था, यानी ये प्रोविंस वैसा जगह हो गया जहां पर राजा लोग का राज हो, ठीक है। और भी बहुत सारे जगह फेडरलिज्म अपनाया जाता है, तो हर जगह फेडरलिज्म में यही फंक्शन है कि इसका 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है, एक पूरे कंट्री के लिए और दूसरा उसके पूरे कंस्टिट्यूएंट के लिए, यानी कि या तो स्टेट के लिए या फिर प्रोविंस के लिए। प्रोविंस वैसा जगह जहां पर राजा लोग का राज चलता हो। क्लियर है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, यानी कि जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए होगी, वो वही सब फील्ड में काम करेगी जिस फील्ड में नेशनल को काम करना चाहिए। आगे हम लोग वो देखेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि नेशनल इंटरेस्ट की बात क्या है और इस डे टू डे एडमिनिस्टर की बात क्या है, ठीक है। फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये जो फेडरलिज्म है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट के एकदम अपोजिट है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, और इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है ना, वो सब सेंट्रल लेवल पर डिपेंड होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकता है। इसका जो सब ऑर्डिनेट है या फिर सब यूनिट्स कह सकते हो उसको, यानी कि स्टेट और प्रोविंस, यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट और प्रोविंस इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, अपने मन से काम नहीं कर सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना ही होगा कोई भी अगर काम करना होगा तो, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यूनिटरी गवर्नमेंट में। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है ना हमारा, इन अ फेडरल सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता है कुछ करने के लिए। यूनिटरी में क्या है,
ये सब ऑर्डिनेट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है अपने सब यूनिट्स के ऊपर, लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब यूनिट्स के ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद है। अब कुछ की फीचर्स है फेडरलिज्म के वो देख लेते हैं। तो इसमें दो या फिर दो लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होगी फेडरलिज्म में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती गई जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को और यानी कि गवर्नमेंट को और अच्छा करने की और अच्छे से चलाने की, किसी जगह को पर्टिकुलरली अच्छे से कंडीशन में लाने के, अच्छे से उसको चलाने के लिए डिवीज़न किया गया और ज़्यादा लेवल लाया गया गवर्नमेंट का। तो इसीलिए कहा गया है कि फेडरलिज्म में या तो दो लेवल की गवर्नमेंट होगी यानी कि सेंटर और स्टेट, या फिर दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी यानी कि सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो, चाहे कितना भी टीयर्स का गवर्नमेंट हो जाए, दो लेवल हो या दो से ज़्यादा हो जाए, यानी कि सेंटर हो, स्टेट हो, लोकल हो, कोई भी हो, गवर्न तो सेमी सिटीजन पर करेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि सबके लिए अलग अलग पॉपुलेशन हो जाएगा, नहीं, सब लोग तो गवर्न एक ही पे करेगा। मेरे ऊपर लोकल गवर्नमेंट भी रूल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करेगी। ऐसा तो नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं ना, हम सिर्फ स्टेट का बात मानेंगे, सेंट्रल का बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरिया है, लाइक लॉ बनाने के, टैक्स वसूलने के, पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के, ठीक है, ये सारा जो एरिया है ना, इन एरिया में जो लेवल्स है ना गवर्नमेंट के, इनका काम बट गया है, ठीक है। गवर्न एक ही सिटीजन को कर रहा है, सारे लोग सेम सिटीजन को कर रहा है। पॉपुलेशन जो है इंडिया की 133 करोड़ की आबादी, सारा जो सरकार है वो तो उसी पर रूल करेगा। ऐसा तो नहीं बाहर से आदमी लाएगा या बाहर जाकर रूल करेगा, रूल तो उसी के ऊपर करेगा, लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना काम है। कोई कानून बनाने को देखेगा, कोई टैक्स लगाने पर काम करेगा, कोई सरकार चलाने पर काम करेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, मतलब काम का एरिया, क्या क्या काम हम करते हैं, हमारा ज्यूरिसडिक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट का, यानी कि जो काम है अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया है कि स्टेट को क्या काम करना है, सेंट्रल को क्या काम करना है, लोकल गवर्नमेंट को क्या काम करना है, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कोई ऐसा फंडामेंटल प्रोविजन है जिसको गवर्नमेंट के किसी एक लेवल को, या तो स्टेट या सेंट्रल या लोकल, किसी को भी लग रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन नहीं देना चाहिए था, यानी कि जो प्रोविजन हमें दिए जाते हैं फंडामेंटली, हमारे जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, ठीक है, अगर किसी भी लेवल के गवर्नमेंट को लगेगा कि ये जो प्रोविजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो नहीं देना चाहिए था और वो उसको चेंज करना चाहेगा, तो वो अकेले चेंज नहीं कर सकता है जब तक उसको बाकी जितने भी लेवल के गवर्नमेंट हैं उन सबका 2/3 अपॉर्चुनिटी अप्रूवल ना मिल जाए, ठीक है। यानी कि यूनिलेटरली अपने मन से वो चेंज नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को, समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी एक लेवल का गवर्नमेंट अपने मन से चेंज नहीं कर सकता है, उसको कंसेंट लेना पड़ेगा बाकी लेवल के गवर्नमेंट से भी। अब अगर कोई मामला, कोई डिस्प्यूट उठ जाता है, लाइक गवर्नमेंट को अपना काम समझ में नहीं आ रहा है या फिर अपने काम का, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, तो वैसे में क्या होगा कि वैसे में कोर्ट्स को पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिमिटेशंस लगाया गया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, वो बता सके। अब उसके बाद, अब पैसा तो पेड करना ही है गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट के हर लेवल पर सरकार है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, सबको पैसा तो पे करना ही है। तो सबका जो रेवेन्यू है ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि कमाई का जो जरिया है, ठीक है, वो भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि फिनेंशियल, ताकि कोई भी फिनेंशियल ऑटोनॉमी किसी का खराब ना हो। होता है कि कई बार सरकार फेल हो जाता है पैसे की वजह से, तो सबका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग कर दिया है, सेंट्रल के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग और लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग, ठीक है, तो सारे का सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग अलग हो गया। फेडरल सिस्टम में दो ऑब्जेक्टिव है। फेडरल सिस्टम लाने से क्या होता है कि सबसे पहला कि कंट्री में यूनिटी आता है, सबसे पहला है कि कंट्री में यूनिटी आता है फेडरल सिस्टम लाने से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है वो अपने एरिया के लोगों को जानेगा अच्छे से, स्टेट गवर्नमेंट है, जो काम लोकल गवर्नमेंट से नहीं हो सकेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे स्टेट्स को एक करके रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया, तो इनका ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला तो हो गया कि यूनिटी को प्रमोट करना, कंट्री में यूनिटी बनाए रखना,
और दूसरा है कि रीजनल जो डाइवर्सिटीज है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग, अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे रिलीजन है हमारे यहाँ, तो वो जो रिलीजन है, डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि टोटल कहें तो रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय जो विभाजन है, यानी कि रीजनल जो डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटीज को भी एक करके रखना, यानी कि उसमें भी पीस बनाकर रखना, ये काम करता है हमारा फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए फेडरल सिस्टम जरूरी है, पहला कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए। दो तरीका है जिसे फेडरेशन फॉर्म किया जा सकता है, पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। दो तरीके से हम लोग फेडरेशन ला सकते हैं, फेडरलिज्म ला सकते हैं, पहला कमिंग टुगेदर से और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से। अब ये दोनों क्या है वो देखो, फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जिसमें छोटे छोटे स्टेट जो है ना, छोटे छोटे क्या, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं या प्रोविंस हैं, वो सारे लोग, मतलब वो सारे जो स्टेट्स हैं, वो सारे मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, यानी कि एक कंट्री बनाते हैं या फिर एक किंगडम बनाते हैं। तो वो जो हो गया ना, वहां पर क्या होता है कि उनको अपनी सॉवरेनिटी खत्म करनी पड़ती है, यानी कि इंडिपेंडेंट फिर वो नहीं रहते हैं। पहले क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, लेकिन जब वो किसी ग्रुप में जाकर मिल गए, ठीक है, ग्रुप बना लिया उन्होंने बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ मिलकर, ताकि एक बिगर यूनिट बन सके, तो वहां पर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो डिपेंडेंट हो गए, यानी कि उन्होंने पुल कर दिया अपनी सॉवरेनिटी को, ठीक है, और फिर वो उस ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे। लाइक मान लो पांच छह बच्चे का ग्रुप है, पांच छह लड़का है, पहले वो लोग अपना अकेले अकेले पढ़ाई करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब सारा बच्चा मिलकर आपस में पढ़ाई करने लगा, यानी कि अब जो भी पढ़ाई का फैक्ट होगा वो डिपेंड करेगा उनके ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। तो वो हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें खुद सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलकर एक यूनिट बनाया, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या जिसमें कि एक कंट्री जो होती है वो अपने पावर को डिवाइड करती है अपनी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में, ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट यानी कि जिस स्टेट से वो मिलकर बनी है उसमें वो पावर को डिवाइड कर देती है, यानी कि स्टेट्स को इंडिपेंडेंट बनाती है, उसको सॉवरेनिटी देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब उसके बाद व्हाट मेक्स अ कंट्री, तो अब देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमारे इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ वो देखते हैं। चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है हमारे इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनसे मिलकर हमारा यूनियन बना है, हमारा इंडिया बना, तो हमारे इंडिया को डिक्लेयर किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि सारे स्टेट्स को मिलाकर हमारा इंडिया बना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दो सिस्टम दिया हमारे को, हमारा जो गवर्नमेंट है उसमें दो सिस्टम दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया है हमें और एक स्टेट गवर्नमेंट दे दिया है, ठीक है, यानी कि दो लेवल का गवर्नमेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक सेंट्रल लेवल का दे दिया, एक स्टेट लेवल का दे दिया है। बाद में जैसे जैसे टाइम बीता गया, जैसे जैसे रीजनल डाइवर्सिटीज खतरे में आती गई, यानी कि सही से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पा रहा था स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह ही जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, तब थर्ड टीयर लाया गया, यानी कि थर्ड लेवल लाया गया गवर्नमेंट का, फेडरलिज्म का, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के नाम से। लोकल गवर्नमेंट क्या हो गया कि जो गांव में लोकल गवर्नमेंट थी उसको पंचायत नाम दे दिया गया, और जो शहर में लोकल गवर्नमेंट थी उसको म्यूनसिपैलिटीज नाम दे दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, यानी कि एक नेशन क्या काम करेगा वो, ठीक है, नेशन क्या काम करेगा वो, उसके बाद स्टेट क्या काम करेगा वो, और उसके बाद जो भी काम बचा, यानी कि जो नया नया काम आएगा, वेदर वो कोई भी काम हो, तो वो काम कौन करेगा, वो स्टेट के अंडर में आएगा वो काम या यूनियन के। पहले उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, 4G 5G की जो अभी डेवलप है पहले नहीं थी, तो उस टाइम तो वो लोग सोच नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि बाकी जितने भी नया नया कॉमन इंटरेस्ट आएगा ना, लाइक जो एजुकेशन का नया चीज आया, एजुकेशन में जो प्रोविजंस आया, एजुकेशन में जो डेवलपमेंट आया, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ठीक है, तो ये सारा किसके अंडर में जाएगा, ये सब तो पहले नहीं था, अब आया, न्यू आया, तो इसी के लिए कंकरेंट लिस्ट बना दिया गया पहले ही, ठीक है, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो देखो यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में वैसे सारे काम है जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल करेगी, ठीक है ना, लाइक कंट्री के डिफेंस को देखना, फॉरेन अफेयर्स यानी इंटरनेशनल हम जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं उसको देखना, बैंकिंग का जो काम है वो, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी चेंज हो गया, ये सारा चीज
सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है या फिर लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है वो देखो। पुलिस को मेंटेन करके रखना, ट्रेड को बनाए रखना, कॉमर्स यानी कि खरीद फरोख को बनाए रखना, एग्रीकल्चर को बनाए रखना, इरिगेशन को सही से चलाना, ठीक है, ये सारा स्टेट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट मिलकर इस पर काम करेगी। कंकरेंट लिस्ट वैसा हो गया जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट भी और तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है, जिसमें आ गया तुम्हारा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। अब जो भी नई नई चीज़ें आएंगी हमारे इंडिया में प्रिवेल करेंगी वो इसमें ऐड होंगी, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन और स्टेट में नहीं, ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये हम समझ गए कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, क्यों फेडरलिज्म है यहाँ। अब देखो प्रैक्टिस किया कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशियंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि फेडरलिज्म है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कहने से तो लोग नहीं ना मान लेंगे, लोग जब तक उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारा कंट्री फेडरल है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो जरूरी नहीं ना कि फेडरल ही हो, ठीक है। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि तुम्हें राइट टू फ्रीडम है, लेकिन तुम्हें फ्रीडम मिल ही नहीं रही है, तो वैसा क्या फायदा है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना, जिस तरीके की हमारी डेमोक्रेसी है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मेन वही रिस्पॉन्सिबल है फेडरलिज्म लाने की। हमारे डेमोक्रेसी में वर्टिकल डिवीजन किया गया पावर का, फेडरलिज्म का फीचर भी वही था वर्टिकल डिवीजन का, तो वर्टिकल डिवीजन से हमारे फेडरलिज्म को हेल्प मिली, यानी कि डेमोक्रेसी से हमारे फेडरलिज्म को हेल्प मिली सक्सेस करने में। अब देखो लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि वैसे स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना हमारे डेमोक्रेसी को, वो था लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन करना, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बांटना, बनाना, ठीक है। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स बीन क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने स्टेट्स खत्म होकर नए नए स्टेट्स बने। देखो तुम्हारा झारखंड पहले अलग था, फिर अभी मिल गया हम लोग में, इंडिया में, है ना। तो बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा जो स्टेट्स था, पुराना पुराना स्टेट्स, वो सारा खत्म होकर नया नया स्टेट्स उसके जगह पर आने लगा, तेलंगाना, बहुत सारा। इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। और बहुत सारे ओल्ड स्टेट का बाउंड्री भी चेंज किया गया, यानी कि उस स्टेट्स को बढ़ाया गया, घटाया गया, ठीक है। कुछ तो पुराने वाले को हटाकर नया वाला ला दिया गया, और अगर पुराने वाले थे भी तो उनको, उनकी बाउंड्रीज को और बढ़ाकर उसको नया बना दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रहें। अब मान लो कि तुम हिंदी बोलते हो, तुम्हारा दोस्त इंग्लिश बोलता है या बांग्ला बोलता है, वो तुमसे बातचीत करेगा तो क्या होगा? तुमको समझ में नहीं आएगा उसकी बात, ना उसको तुम्हारी बात समझ में आएगी, तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स को। When the demand for the formation of state on basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. लेकिन अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं कंट्री को, तो कुछ लीडर्स को लगा कि इससे हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी, हमारी कंट्री बट जाएगी, बंटवारे का नौबत आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, और तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल हो सकता है। मान लो कि हम, मान लो आप ही लोग में से कोई किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, ठीक है, डीएम बन जाते हो, आपको बोलना आता है बंगला लैंग्वेज, मान लो फारसी आता होगा या पंजाबी आता है, ठीक है, और आपका जहाँ पर पोस्टिंग हुआ है वहाँ पर लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो क्या आप एज अ डीएम कभी वहाँ पर सुधार ला सकते हो उस एरिया में? नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, आपका लैंग्वेज अलग है, आप जो भी बोलेंगे वो नहीं समझेंगे। तो इसी के लिए लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स को। लेकिन एक और चीज किया गया कि सारे का जो जो आप इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ला दिया गया, ताकि डिसइंटीग्रिटी ना फैले, यानी कि अलग अलग ना हो लोग। भले किसी भी स्टेट में आप रहें, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, आपको उससे कम्युनिकेट करना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश को बेसिस बना दिया गया इंटीग्रेशन के लिए, है ना, डिसइंटीग्रिटी से बचाने के लिए। अब देखो लैंग्वेज पॉलिसी,
लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट था इंडिया के फेडरेशन के लिए लैंग्वेज पॉलिसी लाना, कि किस लैंग्वेज को हम मदर टंग दे और किसको हम मदर टंग ना बोले। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज करार नहीं दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है, उसका स्टेटस किसी को नहीं दिया गया। ऐसे हमारे इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए रोक दिया गया था 1965 के टाइम पर, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन 1965 के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए जो इंग्लिश यूज होता था उसको रोक दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रींग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब ऐसा क्यों किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो काम किया है गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश को यूज नहीं करना है, रोक दिया 1965 के टाइम पर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करिए, आप इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होता है इंग्लिश पढ़ने में तो ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को कर लीजिए। इसीलिए तो पेपर हमारा जब आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो कह दिया कि हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी भी कर दीजिए, लेकिन जहां पर हिंदी नहीं चलता है वहां पर आप इंग्लिश लगाइए, जहां हिंदी चलता है वहां इंग्लिश के साथ आप हिंदी यूज कर लीजिए, लेकिन जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता है वहां पर आप इंग्लिश को कंपलसरी कर दीजिए। क्लियर है, ये कहना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि अभी तक हमारा चल रहा है इंडिया में। अब सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे अच्छा होगा वो देखो। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर बटा, ठीक है, जो पावर की डिवीजन हुई, उसके वजह से भी फेडरलिज्म हमारे इंडिया में पॉपुलर हुआ। 1990 के टाइम पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी हमारे कंट्री में। देखो 1990 से पहले क्या था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि वन पार्टी सिस्टम था, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी अच्छा अपोजिशन नहीं था, कोई भी अच्छा अपोजिशन नहीं था। ऐसे तो चार तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होती है, आगे आप लोगों को पढ़ना है 11 12th में, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे। मेन क्या है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने से पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि फेमस थी पर्सनैलिटी कल्ट के वजह से, ठीक है, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी वन डोमिनेंट पार्टी थी हमारे इंडिया में, लेकिन जैसे जैसे रीजनल पार्टीज डेवलप होना शुरू हुआ वैसे वैसे अपोजिशन में गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, यानी कि अपोजिशन में लोग खड़े होना शुरू हो गए। तो हमारे इंडिया में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के आने से फेडरलिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। इस टाइम पर कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, यानी कि कुछ ऐसे भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थे जो किसी अदर स्टेट पार्टी के साथ मिलकर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, या फिर कोई सेंट्रल पार्टी के साथ मिलकर उसको और स्ट्रांग कर दिए, ठीक है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर दिए, जिसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो चूंकि नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, मेजर नेशनल पार्टीज हैड लेड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मेनी पार्टीज। अब चूंकि अब जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आ गई तब काम नहीं हो रहा था उनका वन डोमिनेंट पार्टी का, और ना ही अदर कोई भी पार्टी अकेले अपनी मेजोरिटी बना पा रही थी लोकसभा के इलेक्शन में। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी ना नेशनल पार्टीज, उसने क्या किया कि जो रीजनल पार्टीज है ना, जो स्टेट पार्टी है, लोकल पार्टी है, उनके साथ अलायंस कर लिया, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, गठबंधन बना लिया, ठीक है। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। तो अब क्या हुआ, पावर पहले किसके पास था, नेशनल के पास, अब पावर किसके पास बढ़ गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तो पावर अब यहां पर क्या हुआ, एक नया पावर शेयरिंग का सिस्टम आ गया। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे देन इट वॉज इन द अर्लियर ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फेडरलिज्म था और अभी जो फेडरलिज्म है उसमें काफी ज्यादा बदलाव है। अभी का फेडरल सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपेरिजन विद द फेडरल सिस्टम दैट वॉज प्रिवेल्ड बिफोर द सॉरी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो सिर्फ दो लेवल की गवर्नमेंट थी, अब हमारे पास तीन लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट भी है। हम अपने वार्ड को, अपने जिले को अच्छे से जानते हैं, तो हम अच्छे से रूल कर सकते हैं अपने जिले के ऊपर। लेकिन स्टेट
स्टेट के अंदर तो बहुत सारे जिले होते हैं, तो स्टेट कैसे रूल कर सकता है सारे जिले पर एक जैसा? नहीं कर सकता है। तो नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो आया, लोकल गवर्नमेंट, उसने तो हेल्प किया ना कहीं, ठीक है। चलो अब डिसेंट्रलाइजेशन, पावर कैसे डिवाइड हुआ हमारे इंडिया में? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल ने जो पावर अपनी बांटी स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो ये जो पावर जो बटा ना, इस पावर बटने को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना, ठीक है। यानी कि जो देखो क्या है इसमें, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल का जो पावर था वो डी हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, वो अब सेंट्रल के पास से हटकर उस किसी और के पास चला गया, यानी कि स्टेट्स के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास। तो वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज टू और मोर, दो से ज्यादा टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ दो गवर्नमेंट, दो टीयर नहीं चल सकती है, क्योंकि हमारे इंडिया में जिला है, जिले के अंदर गांव है, शहर है, मोहल्ला है ना। तो इसीलिए पावर शेयरिंग की और ज्यादा जरूरत पड़ गई हमारे इंडिया में। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ थर्ड टीयर के गवर्नमेंट का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का। गांव वाले को हमने पंचायत कह दिया, शहर वाले को म्यूनसिपैलिटी। वेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसी थर्ड टीयर के गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को जब दे दी गई पावर, तब हमने उस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा। एज द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि पहले तो स्टेट का बात होता था, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे लोग। लेकिन अब क्या है, लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो हर एक इंसान अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, जिसको मन चाहे। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, ये हुआ 1992 के टाइम पर, जिसमें लोकल गवर्नमेंट में जो गांव वाली लोकल गवर्नमेंट थी, ये सबसे ज्यादा फेमस हुई, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज में क्या होता है, पंच बैठते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो वार्ड है ना, वार्ड सिस्टम, वो गांव में भी वार्ड सिस्टम है। तो बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, तो वार्ड को हम बोलते हैं पंच। सारे वार्ड जो मिलाकर बने काउंसिल, उसको हम बोले पंच, ठीक है। सारे वार्ड में देखो, मान लो कि एक जिला में कम से कम 15 से 16 वार्ड है, या 50 से 60 वार्ड है, ठीक है। तो उस वार्ड के हर एक मेंबर का हम एक मीटिंग कराएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे, उस काउंसिल को हम कहेंगे पंच, और उसका जो हेड होगा यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा, उसको कहेंगे सरपंच। गांव में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, किस नाम से, पंचायती राज के नाम से, ठीक है। गांव में जो लोग हैं, या वार्ड में जो लोग हैं, जो एलिजिबल है वोट करने के, वही लोग वोट करते हैं इनको इलेक्ट करने के लिए। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। और ये जो पंचायत है ना, ये पूरे गांव में डिसीजन यही करेगी, यानी कि वहां की सरकार यही होगी, पंचायत हो गई। सारे पंचायत समिति या फिर पंचायत मंडल का हो, इन सभी को मिलाकर हम जिला परिषद कहते हैं। जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति है, मान लो कि 20-30 गांव है, हर गांव में एक एक पंचायत होगा, है ना। तो हर पंचायत, सारे पंचायत को मिलाकर एक हमने समिति बनाए, पंचायत समिति या फिर पंचायत मंडल उसको कह सकते हो। तो हमने वो जो समिति बनाई ना, उस समिति को हम कहते हैं, उस कलेक्टिव पंचायत समिति को हम कहते हैं जिला परिषद, ठीक है। सारे पंचायत समिति को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जिला परिषद। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज शहर में भी होती है, गांव का तो हमने देख लिया, अब शहर का देखते हैं। शहर में इसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखोगे, छोटा छोटा जितना भी काम है, लाइक कूड़ा, छोटा छोटा बोल रहे हैं सॉरी, जितना भी देखोगे कूड़ा वगैरह उठाना हुआ, पानी वगैरह सही करना हुआ, तो वो लोग कहाँ से आते हैं, वो लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आते हैं। तो वो क्या हो गया हमारे, वो लोकल गवर्नमेंट को गवर्न करने वाली पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ठीक है। गांव में पंचायत और शहर में म्यूनसिपैलिटी। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ये जो सिस्टम है ना फेडरलिज्म का, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। 30 मिनट का वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दिया है मैंने। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोग से मिस ना हो, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो। ये जो नोट्स है ना, ये जिससे मैंने पढ़ाया है, ये नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, ठीक है।